कुकिंग चैनल मैं आई नया ब्लॉग लेकर के आपके सामने ये खीर या फिर नहीं कुछ भी कह ले वो बनाने जा रही हूँ आपको बहुत ही कम सामग्री में और कम समय में। दूध बस बॉयल हो रहा है, देखिए ये 2 kg दूध है और इसमें कुछ एक छोटा चावल है जिसे कहते हैं काली, आप बासमती भी ले सकते हैं और काली चावल भी ले सकते हैं जिसे, और ये है नट्स थोड़े बहुत जो मैंने लिए हैं, ज़्यादा नहीं, ये क्योंकि किशमिश वगैरह नहीं डालती मैं, वो खट्टा होने का मतलब डर रहता है, अगर आप बनाएं तो रख नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से मैं इसे थोड़े से नट लिए, मैंने ज़्यादा रिच नहीं बना रही हूँ जिससे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिच है, मिल्क है और ये मावा जिसे कहते हैं जो जिसमें पकता है मिठाई वगैरह में, ये वो मावा है। और ये है इलायची पाउडर जी, तो ठीक है मैं रेडी कर रही हूँ, आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा एक इसमें ये चावल जो है ये थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी जिसे राइस कहते हैं, तो थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर मैं बनाऊँगी जी। ग्राइंड कर दिया राइस तो उसके बाद वो और भी जल्दी हो जाएगा, बस दूध का बॉइलिंग कर दे रही है उसको मैं डाल के पकाऊँगी। राइस डाला देख रहे ना, देखिए मैंने थोड़ा सा ग्राइंड में पानी डाल के जार में इसे वॉश कर लिया, अब इसे छोड़ना नहीं है चलाने वाला, चावल बैठ जाएगा मिल्क में, थोड़ा सा वो गांठ पड़ जाएगा चावल में, इसी से चलाते रहना है। आप लोग भी जानते हैं ऐसे नहीं कि नहीं कोई नहीं जानता, बस इजी प्रोसेस से मैं कम रिच थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रिच नहीं करूँगी ये वो डाल करके, बस सिंपल और सारे तरीके से बना सकते हैं, बस ये प्रोसेस में दिखाना चाह रही हूँ और कुछ नहीं, बहुत तरीके से बहुत सारा डिश बनता है लेकिन ये इजी से बता रहा है। इन्हें माया हुआ डाल में देखिए ये गुलाब पानी है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं रोज वाटर, इससे थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है, खुशबू आ जाता है मिठास के साथ साथ। देखिए बॉईल हो गया है, बॉईल भी आ गया है और गाढ़ा भी हो गया है, अब मैं इसे थोड़ा सा डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ कैसे ये पता चलेगा आपको, ये जम जाएगा, ये जब ठंडा होगा तो पूरा जम जाएगा। गैस ऑफ कर दिया है, ये मैं डिश ऑफ करके आपको दिखाया, इसे डेकोरेशन करके दिखाऊंगी आपको, गैस ऑफ मतलब ऑफ कर दिया।
देखिए,